आइए पर्यावरण में आज हम देखते हैं कि वन लाइनर में जैव विविधता इत्यादि का हमारा चैप्टर रहेगा। तो देखते हैं हम कि कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कुछ जंतु मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। आइए आगे देखते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परभक्षी कहलाते हैं या प्रीडेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। जो जीवी मतलब जीवित वाला जो जीवी अजीवी घटकों के मध्य संबंध स्थापित करता है, मतलब जीवन और मृत के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसे हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक, ठीक है, अध्ययन किया जाता है किसका? जैसे पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक संबंध का अध्ययन किसका किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। किसका? वातावरण का और उसके जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए, किसका होना चाहिए? शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत कैसा होना चाहिए? अधिक ढलुआदार। क्यों? क्योंकि ढलुआदार रहेगा तो बर्फ गिरते हैं वो आराम से सर के नीचे चला जाएगा। नहीं, अगर ढलुआदार रहा तो सब पट जाएंगे बर्फ से। ठीक, इसी कारण अधिकतर शीत प्रधान मतलब ठंडे प्रदेशों में मकान का छत अधिक ढलुआदार मतलब थोड़ा ऐसा झुका हुआ होना होता है। ठीक है, इसी कारण वहाँ पे बर्फ हमेशा गिरता रहता है और नीचे सर के चला जाता है। देखिए, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका मिलता है। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंध आपको घास के विषय में हम बताए थे, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ भी देख लीजिए, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ मिलता है? अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए, हाथी घास कहाँ मिलता है? हाथी घास, ठीक है, आगे देखिए, हाथी घास आपका सवाना बायोम में मिलता है। कहाँ मिलता है? सवाना बायोम में। चेपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ मिलता है? कैलिफोर्निया मिलता है। चेपरेल नामक झाड़ियाँ आपको कैलिफोर्निया मिलता है। ठीक, कहाँ पे मिलता है? कैलिफोर्निया में। एक तालाब के पारिस्थितिक, ठीक है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक, आपको अगले भी चैप्टर में बताए हैं कि एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार कैसा बनता है? वो उल्टा बनता है। देखिए, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कैसी होती है? उसमें जीवों की संख्या स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। तो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक रामदेव मिश्रा जी हैं। क्या हैं? रामदेव मिश्रा जी हैं।
देखिए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, VIBGYOR, विबजोर, इसे अंग्रेजी में VIB, ठीक है, GYOR ऐसे रहता है 7 रंग, ठीक है। इसमें लाल रंग एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक करते हैं, ठीक। ऐसे ही ये सब तरंग को दर्शाते हैं हम। आइए देखते हैं प्रथम प्रारंभिक रंग कौन है। आप देखे होंगे नीला, ठीक है, ठीक, हरा, उसके बाद लाल, ये आपके प्रारंभिक रंग है। इसी रंग से सभी रंग बन जाते हैं। तो आइए ट्रिक से बताते हैं हम आपको, आइए ट्रिक बताते हैं। निहाल, यही हमारा ट्रिक है, ठीक। निहाल, नी से आपका हो जाएगा नीला, ठीक, ह से हो जाएगा हरा, ल से लाल, आप इतना ही याद कीजिएगा, निहाल, ठीक है, आपको इतना ही याद करना है, निहाल, निहाल आप याद कीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या प्रारंभिक रंग मेरे प्रथम है। तो नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा, ये मेरा ट्रिक है। तो देखिए, जलमंडल पृथ्वी पर का सबसे बृहत पारिस्थितिक तंत्र है। पूछे सबसे बृहत पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जलमंडल, जल जैसे तालाब देखते हैं ना, जल उसमें बहुत अधिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें रहते हैं, और धान का खेत कृत्रिम रूप से पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, पौधे, कीड़े इत्यादि रह जाते हैं। तो इसी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में जलमंडल का, पृथ्वी का सबसे बृहद बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आपका जल है, ठीक है, ये जलमंडल में। आइए हम प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कौन सी घाटी कहाँ है, ठीक है। आइए देखते हैं हम, तो आइए हम दिखाते हैं आपको दून घाटी। दून घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है, ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट का। आगे आइए दिखाते हैं आपको, तो आइए दिखाते हैं आपको शांत घाटी कहाँ है। शांत घाटी आपका केरल में है, ठीक है। लाहौल घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पार्वती घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे आप इसको याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ के अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करते रहिएगा भाई। किसी प्राकृतिक में, देखिए यहाँ पे, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता क्या कहलाती है, इसको हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों, मतलब उस प्रजाति होते हैं ना अनेक प्रकार के, इसकी बहुलता मतलब अधिकता को क्या कहते हैं हम, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैव विविधता मतलब जीवों की अनेक प्रकार की विविधता उसमें उत्पन्न रहती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, WG रोजेन साहब ने 1985 में किए थे। ये WG रोजेन साहब जी ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, जो वो 1985 में किए थे। देखिए जो है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय मतलब अधिक गर्म जहाँ होता है, वर्षा वन, जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ अधिक गर्मी होगी, वही अधिक वहाँ जैव विविधता अधिक होगी, ठीक है। विषुवतरेखीय प्रदेशों में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय और विषुवतरेखीय प्रदेशों में ऐसा अक्सर होता है, जैव विविधता अधिकतम वहाँ होती है, ठीक है। आगे आइए देखिए विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती है, ब्राज़ील में है, ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में है। देखिए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में है, यहाँ पर शांत घाटी है केरल में जो है जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ है, प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ, चेन्नई में है, 2003 में इसको बनाया गया है, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम हॉटस्पॉट, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया था, नामर्न मायर्स 1988 में, 1988 में, ठीक है, सर्वप्रथम हॉटस्पॉट, ठीक है, शब्द प्रयोग किसने किया था, नामर्न मायर्स जो है 1988 में किए थे। और विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं जानते हैं, आइए दिखाते हैं आपको, देखिए विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 36 है, ठीक है, 36 विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 36 है,